सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB एंड LLM के सेफ स्कोर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसमें लगभग 4 कट ऑफ आप सभी के आ चुके हैं LLB एंड LLM के। एंड साथ ही साथ आप सभी के अभी जो 2 एफिलेटेड कॉलेज हैं जिसमें LLB एंड LLM के प्रोग्राम हैं उनके भी कट ऑफ आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी के जो न्यू सेफ स्कोर हैं, मतलब मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए तो आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये फाइनल है, मतलब इससे कम है तो आप वेट मत करिए, आपका नहीं होने वाला है। तो देखो, अगर हम बात करें 2023 की कट ऑफ की, तो 2023 के जो आप सभी की कट ऑफ थी वो फर्स्ट कट ऑफ 180 या फिर 190 के आसपास थी, मतलब LLB की 180 के आसपास थी एंड जो LLM की कट ऑफ थी वो 190 के आसपास थी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 180 कट ऑफ थी तो उसमें बहुत ही कम बच्चे 180 के आसपास नंबर पाए थे। तो इस वजह से आप सभी की कट ऑफ 160-162 आ चुकी थी अनरिजर्व की लास्ट राउंड तक। लेकिन इस बार आप सभी की जो फर्स्ट कट ऑफ है वो 168.3 थे LLB के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पिछली बार की तरह कम कट ऑफ होगी या फिर नहीं होगी, एंड अगर नहीं होगी तो उसका कारण क्या है। तो ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप परेशान मत होइए इधर उधर एंड बार बार मैसेज मत करिए, ये देख लीजिए। अगर इसके अंदर आपके नंबर आ रहे हैं तब तो सही है, अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई एडमिशन नहीं होने वाला है, आप वेट कर सकते हो। हालांकि क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 ही कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो LLB एंड LLM में, वो है आप सभी के मेन कैंपस इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एंड चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। MA MSc की बात करें तो कट ऑफ इसलिए कम चली जाती है एफिलेटेड कॉलेज में, क्योंकि लगभग 10 से 12 कॉलेज हैं जिसमें आप सभी के MA MSc MCOM के प्रोग्राम हैं, लेकिन LLB में केवल 3 ही हैं, इस वजह से इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, न्यू सेफ स्कोर है, वो कितनी होने वाली है। लेकिन इससे जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, एंड टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मैं ये PDF प्रोवाइड करा दे रहा हूं आप सभी को। तो मैं देखो मेन कैंपस का भी आप सभी को दिखा रहा हूँ, साथ साथ एफिलेटेड कॉलेज का भी दिखा रहा हूँ, तो दोनों का आप परेशान मत होइए। कि तो आप बोलोगे कि मेन कैंपस का है एफिलेटेड कॉलेज का नहीं है, तो मैं दोनों का ही दिखा रहा हूँ, मेन कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेज दोनों का। तो ये आप सभी के लिए अभी तक के जितने भी कट ऑफ आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो आप सभी की मोस्ट सेफ स्कोर है, इसके नीचे आप सभी के हैं। तो आप अभी उम्मीद मत करिए, 2-3 कट ऑफ और आ जाने दीजिए, उसके बाद हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो देखो कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं LLB एंड LLM की। अगर अनरिजर्व के कोई भी स्टूडेंट के 150 से प्लस नंबर हैं अनरिजर्व में तो वो बिल्कुल सेफ है, उसका एडमिशन तो हो ही जाएगा, परेशान मत होइए। LLM के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 153 प्लस है तो एडमिशन हो जाएगा, ये मेन कैंपस का है। अगर हम बात करें यहाँ पर OBC की, तो OBC की जो LLB की है 145 प्लस अगर कोई स्टूडेंट के हैं तो वो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। अभी आप सभी के कम से कम 5 से 6 कट ऑफ आएंगी, परेशान मत होइए। LLM की अगर बात करें तो यहाँ पर 147 प्लस अगर कोई भी स्टूडेंट के हैं तो बिल्कुल एडमिशन लेने के लिए रेडी हैं। EWS की बात करें तो यहाँ पर 146 प्लस है एंड LLM की 147 प्लस है। अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, कट ऑफ कम क्यों नहीं हो रही है। एंड SC की अगर बात करें तो यहाँ पर 130 प्लस है, LLM के हैं वो 134 प्लस हैं। ST का मैं आप सभी को बता देता हूँ, तो ST की जो पहली कट ऑफ आई थी वो 118 के आसपास आई थी, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ST की कट ऑफ कम जाएगी। तो 105 नंबर अगर आप सभी के हैं ST के 105 से प्लस, तो आप बिल्कुल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो, आपके एडमिशन बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। एंड अगर बात करें LLM की, तो LLM की कम से कम आप मानकर चलिए 108 से 109 नंबर अगर आपके हैं तभी एडमिशन होगा, क्योंकि LLM में सीट भी कम है एंड इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा राउंड में नहीं आने वाली है। ये था मेन कैंपस का। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ इस बार कम क्यों नहीं हो रही है। देखो पिछली बार क्या हुआ था कि आप सभी के 180 प्लस 30 से 40 स्टूडेंट के नंबर थे 180 प्लस, इस वजह से जो आप सभी की कट ऑफ थी वो आप सभी की 180 के आसपास आ गई थी फर्स्ट राउंड की। एंड लेकिन उसके बाद आप सभी के बहुत स्टूडेंट के नंबर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कम थे, तो इस वजह से आपकी कट ऑफ गिरते गिरते 162 पहुँच गई। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं मिले स्टूडेंट को, लेकिन जो नंबर मिले हैं वो यहाँ पर 140 से 170 के बीच में ही हैं। तो मतलब 140 से 170 के बीच में लगभग 90% स्टूडेंट के नंबर इसी के अंदर हैं, मतलब 140 से 170 के बीच में जो एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो आप सभी की कट ऑफ है वो यहाँ पर 168 के आसपास आई है, एंड जो कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एंड AWS OBC की, तो आप सभी की जो कट ऑफ रहेगी वो 170 से 140 के बीच में ही रहने वाली है,
इसी के आसपास कहीं ना कहीं आप सभी की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इसी के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर भी है इस बार, एंड सीट भी कम हुई है। आप सभी को जैसा पता होगा कि लगभग लगभग 100 के आसपास सीट भी आप सभी के कम हो चुकी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गई है। देखो 100 सीट में कितनी कट ऑफ बनती है मैं बता देता हूँ, अगर यही 100 सीट और एक्स्ट्रा होती तो आप सभी को जो यहाँ पर अभी कट ऑफ दिखाई दे रहे हैं 145, ये कम से कम 140 या फिर 138 के आसपास आ जाता। तो अगर सीट इसमें भी कम हो जाएगी तो आप सभी के जो कट ऑफ हैं वो वेरी करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एफिलेटेड कॉलेज की, तो यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो ये दोनों के लिए है, एडीसी के लिए है एंड साथ साथ आप सभी के चौधरी माधव प्रसाद डिग्री कॉलेज के लिए भी है, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की कट ऑफ सेम ही आई है, बहुत ज़्यादा अंतर है ही नहीं, मतलब 3 से 4 नंबर का अंतर ही है एडीसी एंड सीएमपी में। तो अनरिजर्व की जो आप सभी के 147 प्लस एंड एलएलएम की यहाँ पर 151 प्लस, तो अगर इतने नंबर आप सभी के हैं तो अब तक तो आप सेफ हो, जब तक कि आप सभी के 2-3 राउंड और कट ऑफ नहीं आ जाते हैं। ओबीसी की बात करें तो 143 प्लस एंड एलएलएम की 145 प्लस है तो आप सेफ हो, ईडब्ल्यूएस की 144 प्लस एंड एससी की यहाँ पर 128 प्लस है तो आप सभी सेफ हो। एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप सभी 104 या फिर 103 के आसपास सेफ हो, क्योंकि एसटी की कट ऑफ लास्ट में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हालांकि केवल कुछ ही कोर्स हैं जिसमें एसटी की कट ऑफ बनती है, अदरवाइज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एसटी के ऑल कैंडिडेट एडमिशन होते हैं एंड साथ साथ एससी के भी, लेकिन एलएलबी बीएलएलबी एंड एलएलएम इस सब कोर्स में आप सभी के जो कट ऑफ हैं एसटी के भी कट ऑफ बनते हैं। तो अभी के लिए जितनी भी कट ऑफ आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये आप सभी के लिए मोस्ट सेफ स्कोर है, अगर इससे कम है तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए। हालांकि वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो, अगर कट ऑफ इसके नीचे आ जाती है तो अपडेट तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।